तो इसे ये क्रोमा का माइक्रोवेव है 0152 मॉडल। तो मैं बताता हूँ आज इसको आपको कि डेमो कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं बेसिक से बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है सर आपको इसमें कि देखिए, अगर आपको नॉर्मली खाना गर्म करना है, जैसे आपका बना हुआ खाना है आपने फ्रिज से निकाला उसको सीधा गर्म करना है नॉर्मली खाने लायक, तो आपको क्या करना है, सीधा आप इसको खोल कर इसमें अपना जो रेसिपी है उसको रखेंगे। रखने के बाद इसको लगाकर सीधा आपको ये स्टार्ट बटन जो है इसको प्रेस करना है, तो ये 30 सेकंड का ऑटो स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको ये नॉर्मली खाना गर्म कर देगा, मतलब खाने लायक कर देगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से माइक्रो में टाइम देंगे। तो माइक्रो के लिए सबसे पहले आपने माइक्रो दबाया तो माइक्रो 100% पावर आ गया। अब जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है कि माइक्रो को 50% या 80% पावर पर 2 मिनट के लिए माइक्रो करें, तो आपने ये परसेंट किए कि ये आपका हो गया 80% से और नीचे जाना है तो ये आप दोबारा प्रेस करेंगे तो हो गया 50% के बाद आपको यहाँ से टाइम देना है। तो 2 मिनट देना है, तो 2 दबाओ 0 दबाओ और फिर 1 और 0, तो आपका ये 2 मिनट हो गया। 2 मिनट के लिए सीधा फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो ये 2 मिनट के लिए आपका माइक्रो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे बताता हूँ अब मैं आपको। तो क्लियर करने के बाद ये आपका माइक्रो था, अब माइक्रो के बाद बताता हूँ आपको ग्रिल। तो ग्रिल के लिए आपको क्या करना है, ग्रिल आपको प्रेस करना है G1, तो जिसमें आपको देखिए खोलना है इस तरीके से, और ये आपको दो रैक मिलती है इस तरीके से, ये आपकी लो रैक आ गई। अगर आपको लो करनी है और हाई करनी है तो इसको घुमा देना है आपको, तो ये आपकी हाई रैक हो गई। ठीक है, ये हाई रैक हो गई। हाई रैक होने के बाद ये आपकी जो ऊपर हीटर लगा हुआ है ये हीट होता है, और ऊपर से आपके जो जैसे आपने एक पिज्ज़ा रखा है जो कि आपके ऊपर से बेस कड़क हो जाता है और नीचे से वो मुलायम रहता है ग्रिल में। तो ग्रिल में क्या करना है आपको, ग्रिल किया, ग्रिल के बाद सीधा आपको टाइम देना है, जैसे 3:00 3 मिनट करके सीधा यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। तो ये आपका ग्रिल स्टार्ट हो गया, देखिए आपकी ग्रिल रोटेट भी होने लगी। तो ये तो हो गया आपका ग्रिल, ग्रिल को भी आप अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कन्वेंशन। तो ये आपका कन्वेंशन, कन्वेंशन में क्या होता है, प्री हीट की अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपका, इसमें आप केक जो तंदूर के जो आटे में बेकिंग वो सब आप इसमें कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो पहले तो आपको ये कन्वेंसर दबाया तो आपका 140 आ गया, 140 के बाद आप दोबारा करेंगे तो ये 150 हो गया, ये 160 हो गया, ये 170, 180, 180 होता है केक के लिए। अगर आपको केक बनाना है तो 180 पहले आपको प्री हीट करना पड़ेगा। पिज्ज़ा करना है तो आपको 200 पे करना पड़ेगा, 200 करके आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्ट बटन है इस तरीके से आप स्टार्ट कर देंगे तो माइक्रोवेव आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, प्री हीट होते ही आपका माइक्रोवेव बीप करने लगेगा, जिस तब आप अपना बेस वगैरह कंप्लीट करके देन आप 10-15 मिनट के अंदर आप अपना जो पिज्ज़ा है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कन्वेंशन, मतलब कि आपको केक या पिज्ज़ा बनाना है तो उसके लिए प्रीहीट करना बहुत जरूरी, मतलब तंदूर को आपको पहले गर्म करना पड़ेगा, तो ये वही प्रोसेस है। तो इसको भी अपन क्लियर करते हैं। और इसके बाद आते हैं कॉम्बी मोड पे। तो ये है इसका कॉम्बी मोड, जैसे कॉम्बी मोड आप प्रेस करोगे तो आगे आपका C1 में ये बता रहा है कि देखिए माइक्रो प्लस आपका ग्रिल है, इसमें माइक्रो प्लस ग्रिल मतलब कि आपके दोनों मोड साथ में चलेंगे, सेम है कॉम्बी में, वही आपको टाइम देना है और सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देना। अब कॉम्बी 1 और ये दोबारा प्रेस करोगे तो कॉम्बी 2। अब इसने क्या किया, माइक्रो प्लस कन्वेंशन, मतलब कि एक में आपका कॉम्बी 1 में माइक्रो प्लस ग्रिल है और इसमें माइक्रो प्लस कन्वेंशन, मतलब कि ये चारों साइड से हीट करेगा माइक्रो के साथ। तो सेम माइक्रो प्लस कन्वेंशन करते ही आपको यहाँ से टाइम देना है। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ये 2 किया, ये 0 0, और ये सीधा यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, तो ये आपका माइक्रो प्लस कन्वेंशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसको भी क्लियर करते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे ये रीहीट है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये H1 आ गया, H आपका 4 तक है, F1 पे आपका ऑटो रीहीट है, 2 पे आपका डिनर प्लेट है और 3 पे आपका कोल्ड कॉफ़ी है, 4 पे आपका रोल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये करके, यहाँ से आपको वेट सेलेक्ट करके ये ग्राम आ गया, सीधा यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब आते हैं डिफ्रोस्ट, तो डिफ्रोस्ट पे आप प्रेस किया तो D1 आ गया, D1 पे आपका है डिफ्रोस्ट बाय टाइम, डिफ्रोस्ट बाय आपका वेट आ गया, डिफ्रोस्ट बाय मीट एंड आपका फूड आ गया, स्ट्रीट फूड। तो जो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे डिफ्रोस्ट किया आपने 3-4 जो भी है, इसके बाद अब जैसे वेट करना है तो वेट के अकॉर्डिंग नीचे तो वो करके आप सीधा यहाँ से वेट देके स्टार्ट कर दें, जैसे कि मैंने 3 कर दिया, ये ग्राउंड मीट है आपका। ठीक है, ग्राउंड मीट किया, अब कितना टाइम करना है आपको, 2, तो टाइम दिया 3 करके, इसको जैसे ग्राम्स करना है तो वेट करके आपको यहाँ से 200 200 ग्राम के आसपास हो गया, 300 ग्राम तो 300 कर दिया, यहाँ से सीधा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ इतना। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्लॉक,
किचन टाइम। क्लॉक किचन टाइम का मतलब ये होता है, जैसे मान ली क्लॉक किचन टाइम आप ऐसे प्रेस करोगे, अभी ये दो डॉट दिख रही थी, तो इसमें क्या रहेगा कि क्लॉक जैसे कि अभी टाइम हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए अभी 12 बज रहा है, क्या 12:04, ठीक है, ये टाइम सेट हो गया आपका, 12:04 हो रहे हैं। अब जब भी आप इसको क्लियर करेंगे, जैसे कि मान लो ये मैंने ऑटो रेसिपी की, आप इसको क्लियर करिए, तो ये क्लियर करते ही वो टाइम दे देगा कि ये टाइम आपका इतना हो रहा है, लेकिन ये डॉट डॉट नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया, ये टाइम लग गया, क्लियर है।